प्यार मोहब्बत इश्क, ये वो शब्द हैं जिनका सहारा लेकर आजकल मर्डर की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आशिकी के नशे में डूबे आशिक भूल जाते हैं कि वो किसका कत्ल कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि जिनके साथ मरने जीने की कस्में खाई, वो भूल जाते हैं जिनके साथ जिंदगी जीने के सपने देखे। शायद तभी तो राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक खूनी लव स्टोरी की खौफनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड की गूंज अभी शांत तक नहीं हुई थी कि दिल्ली में ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। यहाँ पुलिस को एक होटल के फ्रीज में लड़की की बॉडी मिली है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना दिल्ली के बाबा हरदास नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान साहिल गहलोत के रूप में हुई है। आरोपी साहिल ने लड़की की हत्या करके शव को होटल के फ्रिज में छिपा दिया था। ये सब अनुसंधान का विषय है। अभी ये सारी उसकी जो वर्जन है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि लड़की की हत्या गाड़ी में करी है, मोबाइल फोन के केबल से करी है। किस टाइम करी है वो भी हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कहाँ पे किए इनिशियल इंक्वायरी में तो आप सामने आया, बताया जा रहा कश्मीरी गेट इलाके में। अभी उस पर हम श्योर नहीं है क्योंकि गाड़ी ये चला रहा था, घुमा रहा था, तो जब हम जैसे हम सीसीटीवी चेक करेंगे उस टाइम पे जो डिटेल आएंगी तभी बता पाएंगे। सर विवाद किस बात को लेकर हुआ जिसकी वजह से इसने गुस्से में हत्या की? विवाद का मेन कारण ये था कि ये मंगनी कर चुका था, शादी अगले दिन तय थी इसकी। जो इनकी ये महिला मित्र थी निकी यादव, ये इस बात से काफ़ी नाखुश थी, काफ़ी टाइम से इनके संबंध थे, तो इस पैनिक में आके, उस बहस में आके उन्होंने ये अंजाम दिया है इस वारदात का। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें हत्या के बारे में तब पता चला जब पुलिस मंगलवार सुबह साहिल गहलोत की तलाश में गांव पहुंची, जिसने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में छुपा दिया था। कुछ भी गाड़ियां के पास खड़े थे सारे के सारे, पर हमें ये नहीं पता था भैया एसीपी वगैरह सब आ रहे हैं, भैया क्या माजरा है। वो कोई फ्रिज वगैरह भी देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा जी, ना हमने बेरा इस बात का। मैं तो चला गया था, गांव का छोरा है वही चलाता था, यहाँ पर कोई आदमी भी रखे थे? नहीं, नौकर भी रख रखे थे, नौकर था। कितने नौकर थे? एक ही नौकर था, अरिंद गौशाला चला रखी थी। शादी हो गई उस लड़के की? लड़की की शादी हो गई। कब हुई है? ये मेरे ख्याल में 10 तारीख के आसपास की बात है। आरोपी की उम्र 26 साल बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के घर वालों को सूचना दे दी है, जिसके बाद उसके घर में कोहराम मच गया। अगर दोनों की लव स्टोरी की बात की जाए तो बात जनवरी 2018 की है। साहिल दिल्ली के उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी करने पहुंचा था। यहां हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की भी डॉक्टर बनने के साथ मेडिकल की तैयारी करने पहुंची थी। दोनों उत्तम नगर में एक ही बस में अपनी अपनी कोचिंग जाते थे, तभी दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता और एक महीने बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन ले लिया। निक्की ने भी उसी कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस दौरान दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने भी गए, लेकिन कोरोना काल में दोनों की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। लॉकडाउन में दोनों घर चले गए। आरोपी साहिल ने अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताया था। ऐसे में उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे। साहिल ने हामी भर दी। दिसंबर 2022 में साहिल का रिश्ता तय हो गया। एंगेजमेंट की तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी की गई। हालांकि अब तक साहिल की शादी से निक्की अनजान थी, लेकिन जैसे ही निक्की को साहिल की शादी की बात पता चली तो वो बिखर गई। इस बात को लेकर निक्की और साहिल के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा ऐसा हुआ कि बात मर्डर तक पहुंच गई। दोनों का कार के अंदर विवाद हुआ। निक्की लगातार साहिल से दूसरी लड़की से शादी न करने की बात कह रही थी और यहीं से साहिल ने निक्की की हत्या का प्लान बना लिया। 26 साल के आरोपी साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट ISPT के पास 22 साल की निक्की की हत्या कर दी और शव को मित्राऊ गांव में अपने ढाबे पर एक फ्रिज के अंदर छिपा दिया। आरोपी साहिल ने अपनी प्रेमिका की निक्की का शव 4 दिन तक फ्रिज के अंदर छिपाए रखा, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को सूचना मिली और मामले का पर्दाफाश हो गया। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आरोपी के दिल्ली के मेहरौली इलाके में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन रिलेशन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर उनको डीप फ्रीजर में छिपा दिया था और बाद में टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।